के आज सभी छात्रों का हिंदी क्लास में, हिंदी ग्रामर क्लास में स्वागत है। आज जो चैप्टर हम 15 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अधिकारी शब्द या अव्यय शब्द। आप जानते हैं कि अधिकारी शब्द उसको कहते हैं कि जिसमें विकार नहीं होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अव्यय यानी व्यय नहीं होता है या खर्च नहीं होता है। अधिकारी या अव्यय शब्द, अधिकारी का अर्थ है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, है? अर्थात जिन शब्दों के रूप में काल यानी समय, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन, वचन यानी एक वचन दो बहुवचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी चाहे वो काल हो या स्त्री पुरुष हो या आपको किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि लिंग नहीं, वचन नहीं और काल नहीं, इसके अनुसार यदि मान लीजिए कि नहीं बदलता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की पढ़ती है, कोई लड़का पढ़ता है, तो लिंग चेंज हो गया, लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है, लेकिन पढ़ता तो जैसा का तैसा रहा, वो चेंज नहीं हुआ, है ना। लिंग वचन में एक वचन, मान लीजिए कि लड़का दौड़ता है और लड़के दौड़ते हैं, तो लड़का दौड़ता है एक वचन हो गया और लड़के दौड़ते हैं अनेक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको हम अव्यय कहते हैं। अब अव्यय या तो अविकारी या अव्यय शब्द के चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, उसमें से पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम किसको कहते हैं, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो चलिए क्रिया विशेषण, इसमें दो शब्द हैं, एक क्रिया है और एक विशेषण है। तो जो विशेषता को बताता है उसको, जो किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, और जो किसी विशेषता को बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो दोनों मिला हुआ है क्रिया विशेषण, यानी ऐसी क्रिया जो विशेषता को बताता है। जैसे वो पढ़ता है, तो वो पढ़ता है तो इसमें कोई विशेषता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ता है तो उसमें विशेषता है, कैसा पढ़ रहा है ना, धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द क्रिया के किसी विशेषता को बताते हैं, क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, बैलगाड़ी कैसे चलती है, तो बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे आपका क्रिया की विशेषता, चलती है क्रिया हो गया और धीरे धीरे जो है सो विशेषण हो गया, यानी क्रिया का विशेषण, क्रिया बता रहा है कि गाड़ी तो चलती है लेकिन धीरे धीरे चलती है। तो क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं। अब इस क्रिया विशेषण का चार भेद है, स्थानवाचक। स्थानवाचक का मतलब है कि जहाँ पर जगह होगा, स्पेस होगा वहाँ, जैसे सामने, यहाँ, वहाँ। कालवाचक, प्रतिदिन, अभी अभी, तुरंत। परिमाणवाचक यानी मात्रा बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, थोड़ा कम या बहुत। या रीतिवाचक में जोर जोर, धीरे धीरे, अचानक, इस तरह से इसका चार। और संबंधवाचक, संबंधवाचक मतलब है कि जो रिलेशन बताएगा, संबंधवाचक मतलब है रिलेशन बताएगा कि घर के सामने उसकी, जैसे ग्राम की गाय श्याम घर के सामने खड़ा है, वो संबंध बताएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के इन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम या शब्दों के साथ आकर के उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। यानी उसमें रिलेशन बताएगा, उसके साथ संबंध जोड़ेगा। जैसे इसमें दिया श्याम घर के पास खड़ा है, श्याम खड़ा है लेकिन कहाँ है, तो घर के पास, यानी घर के साथ उसका संबंध को जोड़ रहा है, यानी घर के सामने खड़ा है। संबंध तो खड़ा है, श्याम तो खड़ा है, लेकिन कहाँ खड़ा है, न घर के सामने खड़ा है, तो ये घर के पास खड़ा है। अब समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक हम किसको कहेंगे, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, दो शब्द को जोड़ता है या दो वाक्य को जोड़ता है, आपस में जोड़ने वाले जो अव्यय है उसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यदि वर्षा होती, वर्षा जैसे मान लीजिए कि आज बादल किया हुआ है, तो बोला कि भाई वर्षा हो गई, मान लीजिए किसी ने कहा कि वर्षा हो गई, तो हम बोलेंगे वर्षा नहीं भाई, कि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो जमीन गीली होती, तो जमीन तो गीली नहीं है, सूखी है, इसका अर्थात वर्षा नहीं हुई। या तो यहाँ एक वाक्य हुआ कि यदि वर्षा होती, दूसरा वाक्य है कि तो जमीन गीली होती,
यानी एक वायर के साथ दूसरा वायर जोड़ता है कि जमीन गीली नहीं हुई, यानी जमीन भींगा हुआ नहीं। चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब जिसमें जो शब्द आश्चर्य और शोक घृणा लज्जा आदि मनोभाव का ज्ञान कराते हैं। आश्चर्य का ज्ञान कराता है, हर्ष का ज्ञान कराता है, शोक का ज्ञान कराता है, घृणा का ज्ञान या लज्जा का ज्ञान का ये ज्ञान कराता है, तो उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओह यह क्या हो रहा है ना, शाबाश तुमने यह कमाल कर दिया, हाय ये क्या हो गया। तो इस तरह से मान लीजिए कि जो भी शब्द में विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, ये चिन्ह देखिए विस्मयादि बोधक है, तो इस चिन्ह को हम जान लेंगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। यानी अविकारी जिसमें विकार नहीं होता है, वो चाहे लिंग हो, वचन हो, काल हो, किसी के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी या अव्यय के चार, अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता को जो बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चलती है, वो धीरे धीरे पड़ता है, वो जोर जोर हंसता है, वो जल्दी जल्दी चलता है, तो इस तरह से वो क्रिया की विशेषता को बताता है। दूसरा उसी में से आपको चार भेद है, स्थानवाचक यानी जगह को, स्पेस को बताता है, कालवाचक यानी समय को बताता है कि प्रतिदिन या अभी अभी, सप्ताह में एक बार, परिणाम थोड़ा बहुत कम, रीतिवाचक में जोर जोर से, धीरे धीरे से ये, और संबंध में रिलेशन बताता है कि किसके सामने खड़ा है, किसकी गाय है, किसकी किताब है, ये संबंध बताता है। और समुच्च बोधक में क्या है कि एक वाक्य, एक दो दो या दो से शब्द अधिक या तो एक से दो वाक्य को जोड़ता है। तो यदि वर्षा होती तो जमीन गीली होती, ये वाक्य आपको जोड़ रहा है। और विस्मयादि बोधक में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, लज्जा इन भावों को जो है सो दिखाता है, तो इसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। शाबाश, जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, हाय यह क्या हो रहा है, हे राम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये जो है वो विस्मयादि बोधक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको 15 चैप्टर जो है आपके लिए संपन्न होता है। अगर इसे आप लिख सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं फिर से लिख करके आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, और इसको आप भली भांति समझ लें। और जब हम लाइव क्लास लेंगे तो उसमें सब आपको सवाल जवाब करेंगे कि आपने क्या किया। आप इसको लिख करके याद कर लीजिए, और जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो उससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। धन्यवाद।